हमारे छोटे जो भाई हैं का यूनिक टेम्पल है। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव नाम है मेरा। क्या कहेंगे आप लोग, काफी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत, पिछले एक महीना से हमारे सभी समिति के छोटे भाई लोग लगे हुए हैं, उन्हीं लोग का ये है कि आज ये पंडाल इतना बड़ा भव्य पंडाल हम लोग मोड़ पे इसको उतार पाए हैं। थोड़ा सा भय तो जरूर हो गया था कि इतना मेहनत हम लोग किए, लेकिन क्या हो रहा है। ये कमेटी के जितना भी हम लोग सदस्य हैं, दोपहर 3 बजे से यहाँ भीड़ है, अभी भी देखिए पूरा ही जाम है। अच्छा, कल अक्षरा सिंह भी यहाँ पे आने वाले थे, आप लोग अनाउंस कर रहे थे, लेकिन जो सदस्य है वो रोड पर आने का काम करेंगे, जो कि भीड़ को थोड़ा भाई लोग आगे बढ़ाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम गिरजा मोड़ पर हैं और गिरजा मोड़ पर आप देख सकते हैं आज सर्दी नवरात्र का आखिरी दिन है, नवरात्रि है आज, और जिस तरह का भीड़ है आप देख सकते हैं, पूरा शहर ही नहीं आसपास के गांव भी उमड़ पड़ा है, इतनी ज़बरदस्त भीड़ है आज। आज देख सकते हैं जिस तरह का पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी भव्य पंडाल है गिरजा मोड़ का ये पंडाल है, और इतना खूबसूरत पंडाल है, आकर्षक बना हुआ है, और ये तो एक पॉइंट पे है ही, कॉर्नर पे है, और जिस तरह का इतना सुंदर तरीके से यहाँ के लोगों ने जो मेहनत किया है, जो यहाँ के कमेटी ने मेहनत किया है, आइए यहाँ के कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। कौन आपका, कौन कमेटी है? गार्डन क्लब गिरजा मोड़ कमेटी के नाम। गार्डन क्लब अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आशीष पासवान है। अच्छा। और उपाध्यक्ष कार्तिक यादव, सचिव भी। क्या क्या आप लोग मंदिर क्या आइए इधर आ जाइए, क्या क्या चीज़ का आप लोग पंडाल बनाने की कोशिश की? फूल पत्ता का पंडाल है, आर्टिफिशियल पंडाल है, ठीक है ना। इसको बनाने में लगभग दिन रात दो महीना हम लोग मेहनत किए हैं। हाँ, आइए कुछ और लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या नाम हुआ आपका? आशीष पासवान। आशीष जी, आप अध्यक्ष हैं यहाँ? जी अध्यक्ष हैं। कौन कमेटी है आप लोगों का? गार्डन क्लब गिरजा मोड़। गार्डन क्लब। हाँ, तो आप लोगों ने इस पंडाल के तहत किस प्रतिमा को, किस मंदिर को दिखाने की कोशिश आप लोग? ये आरा का द यूनिक टेम्पल है। अच्छा। जो कि हमारे कारीगर हैं भिखारी क्लासिक डेकोरेशन, जो बंगाल से जो आदमी आए थे बनाने वाला कारीगर, वो बनाए हैं, और ये हम लोग का यूनिक टेम्पल है इन गिरजा मोड़। गिरजा मोड़ का यूनिक टेम्पल ये लोग बनाए हुए हैं। कितना दिन लगा था ये बनाने में? लगभग लगा था एक माह पहले। एक माह से? जी, एक माह से ही बन रहा है पंडाल। लगभग कितनी लागत का पंडाल? लगभग ये 6,50,000 रुपये का पंडाल है। लगभग आप देख रहे हैं, लगभग एक महीने से पंडाल बन रहा था, और 6 लाख समथिंग का ये पंडाल है, और जितने खूबसूरत तरीके से आरा का यूनिक टेम्पल बनाया गया है, कहीं ना कहीं वाकई एक खूबसूरती दिख रहा है। आप क्या कहें, क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव नाम है मेरा। क्या कहेंगे आप लोग, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत, पिछले एक महीना से हमारे सभी समिति के छोटे भाई लोग लगे हुए हैं, उन्हीं लोग का ये है कि आज ये पंडाल इतना बड़ा भव्य पंडाल हम लोग मोड़ पे इसको उतार पाए हैं। और दिनों से आज काफ़ी भीड़ है? आज तो बहुत सारा श्रद्धालु लोग आ रहे हैं माँ के दरबार में, बहुत खुशी है हम लोगों को भी। कल थोड़ा बारिश के वजह से कुछ श्रद्धालु लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन आज बहुत अच्छा है, उमंग है, आदमी आ रहे हैं घूमने। मौसम खराब हुआ था आज भी, क्या कहना चाहेंगे, इससे परेशानी हुई थी? थोड़ा सा परेशानी हुई थी सुबह में, ठीक है। हाँ। जो हम लोग एसी कर रहे थे, हॉर्न कर रहे थे। हाँ। तो उस टाइम बारिश हुई थी। हाँ। लेकिन उस टाइम भी हम भींग के किए, क्या बोलते हैं, हॉर्न की। हाँ, आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा कष्ट तो हुआ होगा कि ये क्या हो गया? हाँ, बारिश हुई तो लगा, डर लगा कि पूरा बना पंडाल हम लोग का ये व्यर्थ जाएगा, मेहनत व्यर्थ जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ और अच्छा चल रहा है। आइए कुछ कहेंगे? नहीं, बोली भैया। हाँ, आप बताइए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जितना भी सब बारिश आ जाने से कष्ट तो जरूर हुआ, कष्ट तो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उससे ये नहीं हुआ है, लेकिन कहीं भी भीड़ का प्रभाव कम नहीं हुआ? नहीं नहीं, लगातार लोगों का। हाँ, लगातार देख रहे हैं कि भीड़ पूरा आज उमंग है, कल से थोड़ा सा ये था बारिश के मौसम के चलते, आज बहुत ही बढ़िया सब कुछ हो रहा है, हम लोग सब व्यवस्था सब कुछ किए हैं, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं? नहीं, व्यवस्था में कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। हम लोग एक महीना से लगे, पिछले एक महीने से हम लोग कार्य को इस पूरा करने में लगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कार्तिक यादव। कार्तिक यादव हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका?
जी मेरा कुंदन जाट नाम पड़ेगा। कुंदन जी, क्या लगता है, चूंकि जिस तरह से कल से मौसम हुआ है, थोड़ा सा तमाम जितने भी कमेटी के लोग हैं थोड़ा सा भय तो जरूर हो गया था कि इतना मेहनत हम लोग किए, लेकिन क्या ये क्या हो रहा है? ये कमेटी के जितने भी हम लोग सदस्य हैं, ये मन में ठान माने कि कुछ भी हो, भक्त जो भी आएंगे उनके लिए स्वागत करते हैं लोग। और प्लस में जो अपने मन में शारदा रखा कि हमको घूमना है या तूफान है या बारिश है, मरे वो घूमे करेंगे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेंगे। भीड़ आज जबरदस्त भीड़ हुई है, माता रानी के आशीर्वाद से देख रहे हैं कि कितना अच्छा दिन किया है। लेकिन जब बारिश हो रहा था कल, जिससे मौसम किया था, आज भी किया था, तो ऐसा लग रहा था कि भीड़ नहीं होगा। नहीं होगा, ना ना वो लगा कि भीड़ नहीं होगा। तो हमको भीड़ उमड़ गई, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुई भीड़ यहाँ पे 5 घंटे जाम था। दोपहर 3 बजे से यहाँ भीड़ है, अभी भी देखिए पूरा ही जाम है। अच्छा, कल अक्षरा सिंह भी यहाँ पे आने वाली थी, आप लोग अनाउंस कर रहे थे, लेकिन आने वाली थी। अरे अक्षरा सिंह आने वाली थी, उनका तबीयत खराब हो गया तो होटल में जाकर ग्राउंड में रुक गई। अच्छा। बोले कि हम रात में कब आएंगे, तो हम लोग कॉल नहीं किए कि छोड़ो जान, तो नहीं आई तो नहीं आई। तो आप देख रहे हैं गिरजा मोड़ पर हैं, और गिरजा मोड़ पर आरा का यूनिक टेंपल बनाया गया है, और जिस तरह ये तमाम इस गार्डन क्लब के जो युवाओं में जो दृढ़ शक्ति है, क्या कमेटी का जो ये हमारे लोग का पंडाल बनाया गया है, ये 100 फीट का पंडाल है। 100 फीट का पंडाल, हाँ, पिछले 2019 में बना था ये पंडाल। लेकिन कब से यहाँ पे पूजा, हाँ, पूजा हो रहा है 2011 से पूजा हो रहा है, और हम लोग का पूजा शांति समिति टाइप का पूजा होता है, कभी हड़पड़ नहीं है। हाँ, पुलिस और प्रशासन, जिला प्रशासन हम लोग की पूरा सपोर्ट करती है। यहाँ प्रभारी भी आके बैठे हुए हैं अभी। तो आप देख सकते हैं जिस तरह का इन युवाओं में ये गिरजा मोड़ का पंडाल है, और गार्डन क्लब ये है, और गार्डन क्लब के तमाम युवा साथी हैं, और जिस तरह ये तमाम युवा साथी मिलकर मेहनत करके लगातार एक महीने से जिस तरह का आपने देखा ये आरा का यूनिक टेम्पल बनाया है ज़बरदस्त तरीके से, काफ़ी शानदार। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पंडाल की खूबसूरती, आप थोड़ा सा, तो जिस तरह शानदार तरीके से बनाया गया है। भीड़ की यदि बात करें तो भीड़ कम नहीं हो रही है, हालांकि बारिश हुआ था तो लोगों में भय हो गया था कि शायद भीड़ नहीं होगी, लेकिन माँ की शक्ति से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। माँ की शक्ति थी और तमाम भक्तों को विश्वास था कि माँ की शक्ति है, तो कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद होगा और बारिश थमेगी। बारिश थमी और तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं अंदर दिखाते हैं। कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोग मतलब पूजा बहुत अच्छी से हो रही है। हाँ। यार जनता के बहुत भीड़ हो गई है। भीड़ हो रही है? हाँ, बहुत अच्छी से, बाकी हम लोग बहुत अच्छा लगा। कोई हादसा तो नहीं? कोई प्रकार के दिक्कत नहीं, कहीं पर सुनने में आ रहा है कि चोरी वोरी भी हो रही है? नहीं, कोई प्रकार के दिक्कत आज तक रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, ये सब लोग टाइट रहते हैं, और तमाम ये जो यहाँ के जो भक्तगढ़ हैं, जो इस गार्डन क्लब के जो समिति के सदस्य हैं, ये तमाम लोग हैं। आप ड्यूटी कर रहे हैं, किसी तरह का कोई हादसा तो नहीं ना हुआ यहाँ? नहीं, सब शांतिपूर्ण हो रहा है। ये कैसा यहाँ के क्लब के लोगों को कैसा सहयोग मिल रहा है? सही एकदम है, कोई दिक्कत नहीं है। जिला प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हैं, और चंद्रकांत कुमार हैं, युवा हैं, और टाइट है एकदम अपनी ड्यूटी के प्रति। आप देख सकते हैं जिस तरह का भीड़, इधर भी थोड़ा सा भीड़ दिखाया जाए, इस तरह थोड़ा सा भीड़ दिखाया जाए, जबरदस्त भीड़ है, और पुलिस प्रशासन भी तंदुरुस्त है, जिला प्रशासन तंदुरुस्त है, किसी के साथ कोई हादसा ना हो, भीड़ भाड़ पे कंट्रोल किया जा रहा है, और इतने शानदार तरीके से माँ का प्रतिमा यहाँ पे रखा गया है। आइए अंदर में हम दिखाते हैं माँ का प्रतिमा को दिखाते हैं। बहुत बहुत भीड़ है, और कतार से सब लोग। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग तो गांव देहात से आए हैं। कहाँ से? ईसाड़ी से। देखिए ये लोग, आप कहाँ से आए हैं? यहीं बाजार समिति से। आप? चुटकी से, सराव से, भुसौला से आए। भुसौला बड़ारा थाना। हाँ, बड़ारा थाना भुसौला से आए। हाँ, ये देखिए माँ की प्रतिमा है, और मीटर है दूर यहाँ से। हेलो, तो आप देख सकते हैं कतार लगा हुआ है,
एक तरफ महिला और एक तरफ पुरुष, कितना व्यवस्था सुचारू तरीके से है और तमाम यहाँ के जितने भी वॉलंटियर हैं बहुत ही कर्मठ हैं और जिस तरह का यहाँ पे व्यवस्था देखी जा रही है बहुत दूर दराज से लोग आए हैं। बारिश तो हुआ है लेकिन बारिश का कोई प्रभाव का क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार पड़ेगा। कहाँ से हैं सूरज जी? हम अब बिहार यहीं से आरा में रहते हैं। कहाँ के हैं? मुरादपुर बागी नारायणपुर। कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा दृश्य लगा। गिरजा मोड़ की व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छा, बहुत टॉप लग रहा है यहाँ का व्यवस्था। व्यवस्था टॉप लग रही है, बहुत अच्छा। आप बताइए। बोलिए, क्या नाम है आपका? राजू सिंह। कहाँ के हैं? छोटकी ससुराल। कैसा लग रहा है गिरजा मोड़ का पंडाल? बहुत बेहतर है। बेहतर है? हाँ, पूरा आरा घूम लिया आप? आप चारों तरफ से बेहतर है। बेहतर है? हाँ। चलिए तो आइए आपको दिखाते हैं जिस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मलिया बाग से आए हैं आप? आरा घूम लिए? हाँ, आरा घूम लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ का पंडाल टॉप है? यहीं का पंडाल टॉप है। हाँ। चलिए ये देखिए, ये लड़का सब है और गिरजा मोड़ के पंडाल में ये लोग हैं, काफी उमंग में है, काफी खुशियां मना रहा है ये लोग और इतना। हाँ, क्या नाम है आपका? रोशन कुमार सिंह सर। कहाँ से हैं? बाजार समिति सर। बाजार समिति। आपने पूरा आरा घूम लिया? यस सर। कैसा पंडाल बना हुआ है? सर अद्भुत और अकल्पनीय, इस बार का पंडाल और पहले से बेहतर बना है। पहले से बेहतर बना हुआ? यस सर। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बना है पंडाल। आप बताइए। बहुत बेहतर बना हुआ है। दर्शन किया आपने? जी, दर्शन किया आपने? हाँ, दर्शन। कैसा है यहाँ की व्यवस्था? ठीक, बहुत व्यवस्था बढ़िया है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है और जिस तरह का यहाँ पे, हाँ तो आइए और भी आगे हम दिखाएंगे, देखते रहिए, इसी तरह तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे।